भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। भक्तजनों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सबको विदित है कि दीपावली पर्व भारतवर्ष में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। कार्तिक माह की अमावस्या को सभी भारतवासी और पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतवासी रहते हैं इस त्योहार को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे वेद पुराणों में अनेकानेक कथाओं का वर्णन है भक्तों, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। पहली कथा है भगवान श्री राम जी के अयोध्या लौटने से संबंधित। ये संगीतमय कथा आप सभी सुनिए और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। हर्ष उमंग उल्लास की भक्तों, हर्ष उमंग उल्लास की भक्तों, छा जाती है बहार, छा जाती है बहार। दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। त्रेता युग में धरती माता को रावण के आतंक से मुक्त कराने हेतु श्री हरि विष्णु भगवान ने प्रभु राम के रूप में अपना सप्तम अवतार धारण किया। भक्तों, अपनी लीला करते करते पत्नी और भाई के सहित 14 वर्षों के लिए वे वनवास को गए और जब 14 वर्ष पश्चात वनवास काट कर रावण जैसे आतताई का अंत कर अयोध्या में वापस आए तो वो दिन कार्तिक माह की अमावस्या का दिन था। परंतु अयोध्या वासियों ने उस काली अमावस रात को इतने दीपक जलाए कि उसका प्रकाश पूनम की रात की रोशनी को भी फीका करने लगा। तभी से भक्तों दीपावली पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। चौदह वर्ष पश्चात राम जी लौट अयोध्या को आए, अयोध्यावासी झूमे गाए, घी के दीपक जलवाए। कार्तिक माह अमावस की वो भक्तों रात तो काली थी, घर घर दीप जले थे भक्तों, मन रही खूब दिवाली थी। चारों दिशाओं में होती है, चारों दिशाओं में होती है राम की जय जयकार, राम की जय जयकार। दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। दीपावली के पावन पर्व से जुड़ी दूसरी गाथा माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से संबंधित है। भक्तों, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पुत्री के साथ रहा करता था।
उसकी पुत्री नित्य प्रति एक पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया करती थी। इसी जड़ में माता महालक्ष्मी का डेरा था। माता महालक्ष्मी उस कन्या की अनन्य भक्ति से इतनी प्रसन्न हो गई कि उसको दर्शन दे दिए और उससे अपनी सखी बनने का अनुरोध किया। कन्या ने कहा वो अपने पिता से पूछकर बताएगी, और जब पिता की स्वीकृति मिली तो वो माता महालक्ष्मी की सखी बन गई। अब आगे क्या हुआ आइए सुनाता हूँ। एक कन्या जो माँ लक्ष्मी को रोज ही जल चढ़ाती थी, उसकी पावन भक्ति माँ के मन को बहुत ही भाती थी। माँ ने दर्शन देके उसको भक्तों था कृतार्थ किया, मेरी सखी तुम बन जाओ माँ लक्ष्मी ने आह्वान किया। मैया उसे बैकुंठ ले आई, मैया उसे बैकुंठ ले आई, करने लगी सत्कार, करने लगी सत्कार। दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। माँ उस कन्या को अपनी सखी बनाकर अपने वैकुंठ लोक में अपने घर ले आई। वैकुंठ लोक की शोभा देखकर उस कन्या के नेत्र चौंधिया गए भक्तों। स्वर्ण के महल, स्वर्ण के बैठने के आसन, गहने वस्त्र आभूषण, खाने में 56 भोग, माँ ने अपनी सखी का खूब मन से सत्कार किया। कुछ दिन माता महालक्ष्मी के यहाँ रहने के बाद वो कन्या जब अपने घर जाने लगी तो माता ने विदा करते करते उसे ढेरों उपहार दिए। जाते जाते माता महालक्ष्मी ने उस कन्या से पूछा कि हे सखी, मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी। ग्लानि से भरी वो बेचारी कन्या उस समय कुछ न कह पाई। बोली, सखी पिता से पूछकर तुम्हें निमंत्रण दूंगी। यह कहकर वो कन्या दुखी मन से अपने घर आ गई। ग्लानी भाव को मन में लेके कन्या घर वापस आई, कैसे माँ को घर पे बुलाऊं पिता से जाके बतलाई। पिता पुत्री ने घर आंगन को गोबर मिट्टी से लीपा, मैया की फिर चौकी सजाई, चौमुख बाला था दीवा। आओ मैया हम तो करेंगे, आओ मैया हम तो करेंगे आपका सत्कार, आपका सत्कार। दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। घर आंगन तो सज गया था भक्तों, पर अब प्रश्न था कि माँ को खिलाने हेतु 56 भोग कहाँ से आएंगे। वो सेठ तो था परंतु इतना भी धनवान नहीं था कि माँ के स्वागत हेतु 56 भोग का प्रबंध कर सके। परंतु माँ तो दाती दयावान है, माँ ने कृपा की, एक चील उड़ते उड़ते उनके घर में 9 लाख का हार फेंक कर चली गई। साहूकार ने उस हार को जाकर हाट में बेचा और जो भी धन मिला उससे माँ के भोग लगाने हेतु 56 भोग लेकर आ गया। कार्तिक अमावस्या के दिन माता महालक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी के साथ अपनी सखी के घर पधारी। द्वार पर वंदनवारे देख घर आंगन को
मिट्टी गोबर से लीपा हुआ देख, घर में दीप माला जलती देख, और अपनी चौकी पर चौमुखा दिया जलता देख, माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और भगवान गणेश सहित उन्होंने उस कन्या का दिया 56 भोग स्वीकार किया। उसके पश्चात माता महालक्ष्मी ने और भगवान श्री गणेश जी ने उनके परिवार को ढेरों ढेर आशीर्वाद दिए और वैकुंठ लोक लौट आई। तभी से भक्तों, सभी भक्त कार्तिक माह की अमावस्या को अपने अपने घरों में वंदन वारे लगाकर, दीप माला सजाकर और माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का विधिवत पूजन आरती कर दीपावली का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और माता महालक्ष्मी तथा भगवान श्री गणेश जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए माता महालक्ष्मी की, बोलिए भगवान श्री गणेश जी महाराज की। द्वार पे वंदन वारे लाओ, घर घर दीप जलाओ जी, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की चौकी खूब सजाओ जी, अक्षत और नैवेद्य चढ़ाओ, चंदन तिलक लगाओ जी, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पावन कृपा पाओ जी, दीपावली जीवन में लाती, दीपावली जीवन में लाती, भक्तों है बाहर, भक्तों है बाहर, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार।